वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जजिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंडिया और मैं अपनी अरुणाचली लाइफस्टाइल आप सबको दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो आज मुझे बहुत ही मशरूम खाने का मन कर रहा है। सोच रही हूँ कि मार्केट जाके मशरूम ले आऊँ, पर पहले मुझे ड्यूटी करना पड़ेगा। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, उसके बाद जाऊँगी मार्केट। सो लेट्स गो। क्लास खत्म करने के बाद मैं सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ। यहाँ से कुछ सब्जी ले लेते हैं और मशरूम भी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये सब वाइल्ड मशरूम है, जंगल से लेके आता है। नींबू का बाग कितना है ना? 50। और ये ओंगेर, ओंगेर 20 रुपया, ओंगेर 20 रुपया ना। इधर से भी एक बाग दे दो, ये काटा काटा वाला सब्जी है। पम्पकिन कितना बोल रहा है? 100। ये पूरा 100 दाम है ना? हिम लाए। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या क्या है। ओ ये भी है तो तलप दिलप, क्या बोलता था ये? दिलप ही बोलते हैं, दिलप। ये लेकिन थोड़ा साइज छोटा है ना? न्यू न्यू निकला है क्या? ओ यहाँ में भी है तो डीलप ना। हेलो बाग ये दल 20। ओ ये हाँ आउम हम 50 लो बियन हाँ ये ना। ओ हम 3 का 50 में ले रहा है ये। इसको सुंदर है ना, ये खाने भी बहुत मज़ा है। ये देखो ना, इधर से हम एक बाग को ले। देखो ये भी बहुत टेस्टी है, चटनी बना के खाने बहुत मज़ा है। ये क्या सब्जी है? ओबुल। और ये वाला बांको, बांको। ओ इसको बोलते हैं बांको ना। और ये ओंग, सब ग्रीन सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी। सब्जी मार्केट मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाया क्योंकि कभी दिन हम उसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएगा। तो अभी जो लेना था वो ले लिया है, मशरूम मिला है और पम्पकिन वम्पकिन लेना था वो ले लिया है। नाउ लेट्स गो। अभी मैं घर आ गई हूँ तो चलिए मशरूम बनाना शुरू करते हैं। वो वाइल्ड मशरूम जो हमने मार्केट से लिया था उसे मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से एथनिक हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में हम बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बनाने का स्टाइल बहुत ही सिंपल है। हमने मशरूम को धो लिया है और ऐसा छोटा छोटा काट लिया है। मैंने यहाँ पर पानी चढ़ा लिया है और हमें लगेगा बस लहसुन अदरक और पिसा हुआ चावल। ये कुछ ज़्यादा ही पिस गया है, लेकिन करना कुछ नहीं है। जब पानी उबल जाए तो मशरूम को डाल दो, नमक और चाहिए तो और डाल लो, मिक्स मिक्स इसे अच्छी तरह से उबलने दे। कुछ कुछ वाइल्ड मशरूम जो है पॉइजनस भी होते हैं, इसीलिए जब आप मार्केट से खरीदें तो ध्यान से देख के खरीदें।
ये चावल ज़्यादा पिस गया है इसलिए मैं इसे थोड़ा लेट डाल रही हूँ, नहीं तो मैं मशरूम के साथ ही इसे डाल देती। और इट्स नॉट सपोज टू लुक लाइक दिस, ये सूखा सूखा होना चाहिए, लेकिन मेरा जो हाउस हेल्प है उसे मैंने पीसने कहा तो उसने कुछ ज़्यादा ही इसे पीस दिया, वो भी गीला गीला करके। तो ड्राई हो के आप पीसने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसे अभी डाल देते हैं हम यहाँ पे, तो चलिए इसे भी डालते हैं, ग्रीन चिली, इसके बाद अच्छे से मिक्स। ये जब हाफ कुक हो जाए तो लहसुन एंड अदरक ये लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं डालना है। वाह, ऑलमोस्ट पकने को आया है और इट लुक्स डिलीशियस, हमको बहुत ही खाने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और सब्र करो बेटा, सब्र। और ये पक गया है, तो देखा कितना सिंपल है। तो अगर मेरा रेसिपी सच में आपको बहुत ही सिंपल लगता है देन एक लाइक तो बनता है ना। वही पिसा हुआ चावल यह भी फंस गया। तो ये देखिए मेरा डिनर रेडी है, मशरूम जो अभी हमने बनाया, चावल, दिस इज ओइक, ओइक सब्जी, इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी भर भर के है ये पता चला है। एंड दिस इज ये स्प्रिंग ऑनियन टाइप का है, आज हम लोग मार्केट से लिया था ना, तालोत दीलप या तो तलप हम लोग कहते हैं। और ये जो है बॉल की तरह वाला, इसे हम कहते हैं कुबुंग, ये बेम्बू से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे होल भी है इसको लटकाने के लिए, सो ये बेम्बू से बेसिकली बना होता है। और बस्ती में हम लोग प्लेट के बदले इस पे भी खाना खाते हैं, सो इस तरह से ये दिखता है। और ये है वुडन स्पून। तो अभी हो गया है डिनर टाइम, मैं चलती हूँ डिनर करने। आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आप सबको मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हाय पला।